वेलकम टू टेक एक्सपर्ट, स्वागत है आप सभी का साइंस फन और इलेक्ट्रिक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। कैसा लगेगा आपको जब कोई रोबोटिक स्कूटर आपके पीछे पीछे बिना ड्राइवर के चले और वो भी सामने से आपको पुकारे कि भैया मैं यहाँ हूँ, मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो, कुछ इस तरह। और एक ही सेकंड में फोल्ड हो जाए और आपको आसानी से ऑफिस से बाहर ले जाए। या फ्रेंड्स, ऐसा कर दिखा है रिड्रॉइड स्कूटर ने। आइए देखते हैं क्या है रिड्रॉइड। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नए ट्रेंड की तरह उभर रहा है। लोगों की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चाहती है कि विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियां नए नए इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाले उत्पादन बाजार में उतर रही है। शायद इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान की दिग्गज कंपनी एसिन और च्यूबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित फिरो ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाई है। कंपनी ने इस स्कूटर को नाम दिया है रिड्रॉइड कंगारो रोबोटिक, जो दिखने में कंगारू की तरह लगती है। इसलिए कंपनी ने इसे नाम दिया है कंगारो, जो दिखने में काफी अलग और अद्भुत नजर आती है। सच में ऐसी स्मार्ट फोल्डिंग स्कूटर आज तक नहीं देखी होगी। इस स्कूटर में 3 व्हील दिए गए हैं, जिसमें पीछे का व्हील 360 डिग्री घूम जाता है, जिसकी मदद से इस स्कूटर का काफी बैलेंस बना रहता है, जो इस स्कूटर को खास बनाते हैं। कंपनी ने कहा है कि इस स्कूटर में AI तकनीक का यूज किया गया है। गाइस, इस स्कूटर की एक खास बात यह है कि इससे आप बिना ड्राइवर के भी ऑपरेट कर सकते हो, यानी यह ड्राइवरलेस स्कूटर है। यह स्कूटर रोबोट की तरह काम करता है, यानी इस स्कूटर में बिल्ट इन बॉडी सोनिक सिस्टम दिया गया है, जिसकी मदद से आप बिना ड्राइवर के चला सकते हो। अगर आप आगे आगे जाओगे तो स्कूटर आपके पीछे पीछे जाएगा, अगर रुकोगे तो ये भी अपने आप ही रुक जाएगी। यानी इस स्कूटर में काफी कमाल के सेंसर का यूज किया गया है। रिड्रॉइड कंगारो स्कूटर को स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से भी चला सकते हो। रिड्रॉइड में 3D लिडार, वाइड एंगल कैमरा और डिस्टेंस सेंसर दिया गया है, जो फाओ के अपने रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसे स्मार्टफोन या वायरलेस रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। कंगारो स्कूटर की तरह ट्रांसफार्मर में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर आप इसे चलाते हो तो इसकी सीट बड़ी हो जाती है। आप इसकी सीट को छोटी या बड़ी भी कर सकते हो, पर आप इसकी सीट को 29.5 इंच तक बढ़ा सकते हो। कंगारो के फ्रंट में 12 इंच के पहियों में इनविन ब्रशलेस मोटर दी गई है, जो इनको पावर पहुंचाती है, और 10 इंच के चंकी रियल व्हील के माध्यम से चलता है। टॉप स्पीड की बात करो तो इसे एक बार की चार्जिंग में 10 किलोमीटर पर हर की स्पीड से चला सकते हो। वैसे ये रोबोटिक कंगारो को खासकर ऑफिस, घर और एयरपोर्ट में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से आप इसे 10 किलोमीटर पर हर की स्पीड से ही चला सकते हो और 0.93 Nm का टॉर्क जनरेट करती है ये स्कूटर। 64 किलोग्राम वजनी कंगारो में राइडर को गति का पता करने के लिए डिस्प्ले का यूज नहीं किया गया है, लेकिन सीट के नीचे बने होप्टिक से कभी कभी तेज दौड़ती है। ऐसी घासू फीचर वाली फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली स्मार्ट स्कूटर के सामने कोई भी चीज आ जाती है तो इसके सेंसर की मदद से अपने आप ही रुक जाती है और वहीं पर ही ब्रेक लगा देती है। ऐसी घासू फीचर वाली ये स्कूटर दुनिया में तहलका मचा देगी। गाइस, क्या ऐसे स्कूटर इंडिया के लोग लेना पसंद करेंगे, और अगर इंडिया में आई तो इसे लोग खरीदेंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।